एक मैच, एक बाउट जीतना, किसी को हराना और फिर हारना, मतलब वो लड़कियां जो आपको, चाहे सोनम हो, आपको देखकर जो सीख रही थी रेसलिंग, उनसे हारना कितना मुश्किल होता था उसमें, वो एक्सेप्ट करना उस हार को? वो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए जब मैं पहली बार सोनम से हारी, वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए ट्रायल्स थी। और उस रात में आप समझ नहीं सकते कि जैसे जो लड़की इतने सालों से लगातार किसी से हारी नहीं है, अपने वेट में नंबर वन है, और एकदम से बिल्कुल जूनियर लड़की से हार जाना, आई थिंक उस समय 18 साल की होगी, 18-19 साल की, तो मुझे उस पूरी रात नींद नहीं आई। और फिर मतलब क्या बताऊँ, मुझे मतलब वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। वो रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि क्या रीज़न था कि लगातार मैं हार रही हूँ। कैंप में मेरे बाउट होती थी उसके साथ, तो दिक्कत नहीं, फिजिकल फिटनेस में चाहे वो वेट ट्रेनिंग करा लो, रनिंग करा लो, किसी में कुछ करा लो, मैं सब चीज़ में आगे रहती थी। तो पता नहीं क्या एक स्पेशल मैच के टाइम पे ही मेरे को क्यों हार मिलती थी। तो उसके लिए फिर मैं बहुत भटकी कि क्या चीज की कमी है मेरे अंदर। मैंने फिर सब छान मारा, मैंने न्यूमरोलॉजी से लेके, एस्ट्रोलॉजी से लेके, मैंने साइकोलॉजिस्ट से लेके, मैंने सबके पास जाके मैं कि क्या रीजन है, क्या मेरी कुंडली में आ गया, क्या ऐसा हो गया। हालांकि मैं इतना नहीं मानती हूँ। एक चर्चा अभी हुई, आमतौर पर जो बहुत गहराई से जुड़ा रहता है रेसलिंग से, उन्हीं लोगों को पता होता है कि वजन कितना बड़ा इशू होता है। आपने भी वेट कट को लेकर एक अच्छा अपना पूरा एक्सप्लेनेशन और बताया कैसे 700 ग्राम ऊपर और उसको कैसे घटाना है। चर्चा में ही आया जब विनेश ने अपना मेडल मिस किया, पर ये क्या नॉर्मल था? दो तरह की बातें हो रही थी उस टाइम की, कुछ कह रहे थे कि ये साजिश यहाँ से किया गया है, इंडिया मन लगा के फाइट नहीं किया उसके लिए। देखो एक्चुअली तो देखो वहाँ पे मैं थी नहीं कि एक्चुअली का सिनेरियो मैं वहाँ का बता पाऊँ, लेकिन हाँ 100 ग्राम हम भी हमारे लिए डिफिकल्ट, मतलब कट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पर फेयर है अगर ओलंपिक कमेटी की तरफ से कहा जाए कि 100 ग्राम ऊपर वो नहीं मिलेगा? नहीं, ये रूल है। 50 ग्राम पे भी ये रूल है। UWW में अगर एक टिश्यू पेपर लेके भी मेरा वजन, लाइक मैं 62 किलोग्राम में खेलती हूँ, मेरा वेट आ गया 62.010, लाइक हो गया ये 10 ग्राम, 10 ग्राम आउट। अच्छा, विनेश का तो 100 ग्राम था। तो UWW में एक्चुअल में जो है, आप 10 ग्राम भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन तो हमने तो प्रोटेस्ट किया हुआ था, तो विनेश को भी हुआ कि मुझे तो ओलंपिक जाना है, मुझे तो प्रूव करना है। बजरंग के पास ओलंपिक मेडल था, मेरे पास ओलंपिक मेडल था, उसने तो अपना पूरा जो सपना छोड़ करके प्रोटेस्ट पे बैठी थी वो, तो उसको यूं था कि जाना है। कमजोर तो वो किसी से थी नहीं, उसने तो प्रूव करके दिखाया, फाइनल्स तक पहुंच के प्रूव करके दिखाया। तो वो तो अपने एक्चुअल वेट से बहुत नीचे खेल रही थी, तो मैं जानती हूँ कि उसके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि वो 100 ग्राम जो है, उसने अपने हेयर भी कट किया, आपने पिक्चर्स में देखा, हम क्या कहते हैं हमारे कॉस्ट्यूम में ना यहाँ इलास्टिक होती है कि वो ऊपर ना शिफ्ट हो जाए, वो कट किया कि कैसे करके कॉस्ट्यूम में से 50-60 ग्राम निकल जाए। अच्छा, वो मैंने भी बहुत बार किया, कॉम्पिटिशन में देखा चढ़ा, ओह 50 ग्राम ज्यादा है, फिर सोचते कि वॉशरूम जा ना, तो जब हमें कोई वॉशरूम आता ना, हमारे मुंह में कोई सलाइवा होता, कुछ भी नहीं होता, लाइक पूरा ऐसे होता है कि कैसे इस 50-100 ग्राम को कम करें। तो फिर अलग अलग टैक्टिक्स निकालते हैं कई बार कि हाँ कॉस्ट्यूम ठीक है, तो कॉस्ट्यूम कट कर दिया नीचे से कि इलास्टिक में कम से कम 20-30-40 ग्राम तो निकलेगा। तो मैं समझ सकती हूँ, हाँ उसके साथ मतलब जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो पहले ही हार जाती, इंडिया में ही हार जाती, वो इजिली वहां पहुंच के बिल्कुल हारना, बिल्कुल मतलब एक ओलंपिक मेडल, जो लड़की फाइनल पहुंच के सोच ही लिया कि मेडल तो है ही हाथ में, और जिस लड़की के साथ फाइनल में उसका मैच था, वो उसने आई थिंक 2-3 महीने पहले शायद उसको हराया है, या मतलब मैचेस हुए है, तो विनेश अपना गोल्ड की दावेदार थी। जैसे लड़कों के लिए कहा जाता है ना कि तुम मजबूत अगर हो तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, ये मुझे मर्द औरत दोनों चीजों में कॉमन लगता है कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप मजबूत हैं, पर साक्षी हर छोटी चीज पर लिखती है कि मैं उसके बाद रोने लगी। हाँ, वो एक्चुअल क्या हुआ, जब हमारा मेडल जो है वहां पे दे लिए चला गया, कुछ एक किलोमीटर के बाद चलने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार गलत हो गया, प्रोटेस्ट खराब हो रहा है, हाईजैक हो गया, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक दिन कोई जून जुलाई क्या कौन सा मंथ था वो, मई जुलाई था, जुलाई था, हाँ। उस मंथ में आप फैसला भी बहुत बड़ा था, फुटपाथ पे सोच सो करके देखो, वहाँ खा करके देखो, वहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल करके देखो, तो बड़ा होता। लेकिन जब वो मेडल गया ना, तो हमें यूं था कि काश
ये आधा घंटा भगवान टाइम वापस कर दे और हमारे मेडल्स हमारे हाथ में हो, क्योंकि ये मेहनत हमें वेस्ट नहीं करनी, हमारा प्रोटेस्ट हाईजैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडल्स देंगे हम अपने कोचेस को देंगे, हम अपने पेरेंट्स को देंगे, मतलब ऐसे हम किसी को क्यों अपने मेडल्स दे देंगे। लेकिन वहां सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि अगर हम मेडल माने जाते ना तो वहाँ हाथापाई और वहाँ बहुत बड़ा पंगा हो जाना था ना। तो और चीज बहुत इंटरेस्टिंग आप लिखती हैं, जहाँ पर आप अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करती हैं कि मेरे मन में आया कि मैं भी शायद एक बार कहूँ कि जब आपसे कहा गया कि मेल कर दो कि मैं भी ट्रायल्स के लिए, ट्रायल के बिना मेरा सिलेक्शन हो जाए एशियन गेम्स 2020 जो 4 में कौन से ईयर में होने वाले थे एशियन गेम्स, ये अभी इससे पहले 22 जो 23 में हुए, मुझे हुआ मन में आया पर आपने नहीं लिखा, क्योंकि आप अपनी वो चीज की मतलब मैं भी इंसान हूँ वाली चीज भी आप दुनिया के सामने रखती हैं, और आपको मन में ये खटका कि विनेश और बजरंग को भी नहीं अपना ट्रायल्स छोड़ना चाहिए था। इसका मैं पूरा आपको वो बताती हूँ। जैसे ऑफर आया था बजरंग विनेश के पास, डायरेक्टली ऑफर आया था कि आप दोनों को डायरेक्ट जो है एशियन गेम्स में भेज रहे हैं, ये एक हमें ये एक प्रॉपर तरीके से साजिश मान लो या क्या मान लो, अगर वो डायरेक्ट जाएंगे तो फिर वही हो जाएगी ना, ब्रिजभूषण की बात सच्चाई हो जाएगी कि तो डायरेक्ट जाना चाहते हैं, ये किसकी तरफ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं, बिना ट्रायल से जाना चाहते हैं, तो वहां से तो ये बात आ गई। फिर जैसे मेरी बातचीत हुई, मैंने भी बताया कि कौन नहीं जाना चाहेगा यार, एशियन गेम्स है, सबका सपना होता है कि बिगेस्ट गेम्स जो है इंडिया के खेले, हम इतने साल मेहनत की है। तो मुझे भी बोला कि आप भी मेल कर दो, आपको भी भेज देंगे, रिकमेंड कर देंगे। तो मैंने तो सोचा, हस्बैंड से बातचीत की, विचार विमर्श किया, तो हमें लगा कि ये तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रिजभूषण की जो बात उसने बोली थी कि ये बिना ट्रायल्स के जाना चाहते हैं, तो यही सच्चाई हो जाएगी, फिर हमारे प्रोटेस्ट का तो महत्व ही क्या रह जाएगा। फिर बस वो उनका निजी फैसला ही रहा कि वो विनेश को तो इंजरी हुआ, बजरंग एशियन गेम्स गया, हालांकि मेडल का दावेदार था, लेकिन वो प्रेशर उसके ऊपर इतना आया कि वो एशियन गेम्स में परफॉर्म ही नहीं कर पाया। तो कुछ मतलब वहाँ चीज़ उनको वो सेक्रीफाइस करना चाहिए था। और पॉलिटिक्स में जाना उनका, वो भी बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में वो भी शुरुआत की बात ही, हालांकि अब ये नहीं बोल सकते क्योंकि विनेश ने ओलंपिक्स में जाके प्रूव करके दिखाया है कि हम तो स्पेशल पॉलिटिक्स एक पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के बैठे थे, या कांग्रेस से इन्फ्लुएंस होकर बैठे थे, या कि आप पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं था। स्टोरी सबके सामने ही है कैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, कैसे ये सब सारी चीज़ें थी। तो वो प्रोटेस्ट में जो गए वो भी बात, मतलब बाद में तो बहुत अभी उठी कि देखा ना, ये तो इनको तो कांग्रेस ही ज्वाइन करना था इसीलिए। आपको लगता है कि ब्रिजभूषण के दावों को बल मिला इस बात से, विनेश के पॉलिटिक्स में जाने से? आप मुझे बड़ा अजीब लगता है, वो कमेंट्स में भी यही आता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में यही आता है कि देखा ये तो इनको तो पॉलिटिक्स में ही जाना था, इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ रची, ये इनका प्री प्लान था या जो भी था। तो बिल्कुल वो चलो उनका निजी फैसला है, उनको लगा कि पावर में जाकर प्रोटेस्ट में एक टीम था। तो आपको लगता है आपको भी थोड़ा लॉस ऑफ फेस उसकी वजह से सामना करना? देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्चाई बोलती हूँ, जिस दिन बजरंग और विनेश दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया तो मुझे थोड़ा सा यूं लगा कि यार प्रोटेस्ट का तो कुछ नहीं बचा ना, मतलब लेकिन फिर उनका वो निजी फैसला था, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शायद पावर में जा करके वो लोग जो है क्योंकि बाहर तो सुनी नहीं, कहाँ सुनी हमारी आज तक, हम तो कोर्ट के थ्रू ही चल रहे हैं ना। साक्षी कहती हैं कि मैंने 08 से भी टर्न अराउंड किया है, कमबैक किया है, तो आपको यकीन है कि आप कमबैक करेंगी? क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां पर ड्रॉ नहीं होगा, दो लोगों को नहीं कहा जाएगा तुम भी जीते तुम भी जीते, एक जीतेगा एक हारेगा, वो होगा। अब बिल्कुल मैं बस वही बोलना चाहती हूँ बार बार कि मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, और बाकी बुक में जो है आपको सब डिटेल में मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। इंटरव्यू तो हम एक घंटा कर सकते हैं, इस बुक को लिखने में 1.5 साल लगा है, तो वो चीज़ है सारा डिटेल में इसमें है। मेरी लड़ाई मैं लड़ती रहूँगी, मैं ये गलत के खिलाफ मैं लड़ती रहूँगी।